और त्याग की मूर्ति मदर टेरेसा की 1997 में असामयिक मृत्यु के बाद उनके संगठन में नेतृत्व की जिम्मेदारी का जब प्रश्न उठा तो उस परिस्थिति में सिस्टर निर्मला ने संगठन की कमान संभाली। सिस्टर निर्मला का जन्म रांची में 1934 में हुआ था और उनका पूरा नाम निर्मला जोशी था। सिस्टर निर्मला का परिवार हिंदू था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा पटना के मिशनरीज स्कूल में हुई थी, जहां से उन्हें मदर टेरेसा के बारे में जानकारी मिली और वे उनके कार्यों से प्रभावित होकर 1958 में धर्मांतरण कर रोमन कैथोलिक नन बन गईं। सिस्टर निर्मला ने राजनीति शास्त्र में मास्टर डिग्री ली थी और कानून की भी पढ़ाई की थी। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वे 2009 तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल पद पर आसीन रहीं। सिस्टर निर्मला का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सिस्टर निर्मला पिछले काफी समय से बीमार थी। Sister Nirmala passed away just 5 minutes after midnight. Many sisters were around her praying and singing to God. And peacefully she passed her last breath, surrendering her soul to God. As mother's principle was, if you spend time to judge others, we won't have time to love others. So she followed that same principle, not judging others, but trying to love others without judging. And then she also, her love was unconditional, without considering caste, creed or religion, nationality, nothing. Love went out of all boundaries. And that's what her message was, very strong and powerful. That's what her life was. She lived for others and for God. Pradhan Mantri Narendra Modi ne Sister Nirmala ke nidhan par tweet kar likha hai ki Sister Nirmala ne jeevan bhar garibon aur suvidhaon se vanchit logon ke liye kaam kiya. Ishwar unki atma ko shanti de. ब्यूरो इनपुट्स के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।